स्मार्ट बनने आए हो ना द रणवीर शो क्लिप्स हिंदी पर, इंडिया का सबसे स्मार्ट पॉडकास्ट का सबसे बेहतरीन क्लिप्स चैनल। लाइक बटन हिट कीजिए, सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। जुलाई में मैंने दो नशों की डिस्कवरी कर दी। पहला नशा पॉजिटिव नशा था, जिसका इस्तेमाल मैं आज भी करता हूँ। उस नशे का नाम है जिम। नशा है तो वो बहुत अच्छा नशा है, पॉजिटिव एडिक्शन। उसके साथ साथ गांजा, गांजे की डिस्कवरी करी मैंने जुलाई में। मुझे अभी भी याद है पहली बार जब मैंने स्मोक अप किया था, पहली बार जब मैंने गांजा लिया था। जिसने भी लाइफ में गांजा लिया है, जिसने भी लाइफ में भांग एक्सपीरियंस किया है, उन्हें पता है कि मैं अभी क्या कहने वाला हूँ। बहुत लोगों को पता है पहले क्या होता। आपको ये लगता है कि गांजे का नशा बिल्कुल अल्कोहल के नशे की तरह है। आप अपना कंट्रोल लूज़ करोगे और अपने दिमाग में खो दोगे खुद को। पर गांजा में बिल्कुल ऑपोजिट होता है। आप अपनी लाइफ में और गहराई से चले जाते हो, आप अपने दिमाग में और गहराई से चले जाते हो। पहली बार जब मैंने गांजा ट्राई किया था, मैं अपने बचपन में चला गया। मुझे अपने मेमोरीज दिख गए। हाँ, फिफ्थ स्टैंडर्ड में ये हुआ, सिक्स स्टैंडर्ड में ये खुशी एक्सपीरियंस की, ये तो मैं भूल ही गया। यह मुझे दिख गया फिर से। गांजे से ये होता था पहले, फिर इवेंचुअली गांजा आपको ज़्यादा क्रिएटिव बना देता है। जो भी आपके अंदर है ना, वो ज़्यादा होने लगता है। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आप दुखी हो तो प्लीज़ स्मोक अप मत करो, भांग मत लो, वो दुख ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप खुश हो तो लो, बीच पर हो तो लो, वो ज़्यादा हो जाएगा, ब्रेक मिल जाती है आपको। बहुत लोग गांजे को ब्रेक की तरह यूज़ करते हैं ना, गेट इट, वो अपने कल्चर का पार्ट है। और मैं ये डेफिनेटली नहीं कर रहा हूँ कि गांजा फूकना और अल्कोहल करना बंद कर दो। मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपके भाई की स्टोरी सुन लो। मैंने एक्सट्रीम्स में इन चीजों को किया। कई बार मैंने इतना गांजा कर लिया था कि मुझे बैड ट्रिप हो गई थी, बीटी हो गई थी। कई बार मैं अपने बॉडी के कंट्रोल में नहीं था। मैं भांग बहुत लेता था, तो एक बार मैंने इतना भांग खा लिया, उसके बाद मुझे लगा हाँ मैं डिनर करने जाऊंगा फैमिली के साथ। मेरी फैमिली को पता भी नहीं चलता था कि मैं हाई हूँ, ठीक है। और कई सारे स्टोनर्स को ये फीलिंग पता है। वही तो गांजे का नशा होता है। अगर आपने कभी अल्कोहल पिया, दारू पिया, आपके मुंह से बास निकलती है, आप ऐसे अजीब अजीब तरीके से बोलने लगते हो। पर अगर आपने गांजा किया और अगर आप एक एक्सपीरियंस स्टोनर हो, तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप स्टोन हो। तो एक बार एक बढ़िया डिनर के पहले मैंने बहुत सारा भांग खा लिया, बहुत सारा। और होली भी नहीं थी, मैं ऐसे ही हर दिन भांग खाता था। सीरियसली मैंने इतना भांग खा लिया कि मुझे बीटी होने लगे डिनर टेबल पर। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पूरे बॉडी में करंट चल रहा है, बहुत इंटेंस करंट। मुझे ऑलमोस्ट उल्टी आ रही थी, चक्कर आ रहा था। मुझे बस वो डिनर छोड़ना था और मैं छोड़ भी नहीं सकता था। मैंने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और मैं सो गया। रेस्टोरेंट के अंदर सो गया। मैं यहाँ एक पावर लिफ्टर हूँ, बड़े बड़े मसल है, बड़ी बड़ी बॉडी है, और मैं ऐसी नुन्यू की तरह रेस्टोरेंट में सो रहा हूँ, हाई ऑन वीड, हाई ऑन भांग। ऐसे हजार स्टोरीज है मेरे पास। भांग और वीड का यूज़ मैंने अपने करियर में भी किया। करियर स्टार्ट होने के बाद मैं क्रिएटिव प्रोफेशन में था। मेरे आसपास जो मीडिया एंटरप्रेन्योर्स थे, वो सब करते थे। उनके घर जाता था, सब लोग हैश फूक रहे हैं, गांजा फूक रहे हैं, भांग कर रहे हैं, एडिबल्स खा रहे हैं। तो मुझे लगा हाँ, ये प्रोफेशन में शायद नॉर्मल होगा। कई सारे लोग थे जिनको मैं आइडलाइज करता था, उनको मिलकर मुझे लगा ये तो इतना फूकते हैं, चलो नॉर्मलाइज होगा। इनको तो सफलता गांजा फूकने के बाद भी मिली है, मैं भी फूक लेता हूँ, मैं भी कर लेता हूँ। मैं प्रेफर करता था एडिबल्स, मतलब खाना, तो मैं बहुत ज़्यादा करने लगा। और मैंने ये भी देखा कि यार मेरे लाइफ के इस फेज में मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, मेरे दिल में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, और गांजे की वजह से मेरी मोटिवेशन ज़्यादा हो रही है, वो चलो करते। घर पर रखता था मैं, हर दिन करता था। मैं खुद को इंसेंटिवाइज भी करता था कि भैंचो 5 तक काम कर ले, फिर 5 बजे गांजा फूक ले। मैंने दूसरों को भी गांजा फूकवाया, बहुत लोगों को इस आदत से इंट्रोड्यूस किया। मैं बिल्कुल वसेपुर का नवाजुद्दीन सिद्दीकी था एट वन फेज, फंक्शनल स्टोनर, पूरा काम करता था, पूरे दिन हाई रहता था। एक रिलेशनशिप आई थी मेरी लाइफ में, जिसकी वजह से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्योंकि उस लड़की ने मुझे कहा कि तू क्या कर रहा है।
एज 22 से लेकर 24 तक मैंने बहुत गांजा कंज्यूम किया था, और एट एज 24 अनफॉर्चुनेटली मेरे भैया मिल गए मुझे, मनीष पांडे जी, और उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा ओपन था, और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि यार अब गांजा कर रहे हो ठीक है, काम वाम ठीक चल रहा है, बट आप मेडिटेशन भी करते हो ना, मैं आपके वीडियोज़ देखें, तो मैंने बोला हाँ, और कभी कभी साथ में कर देता हूँ दोनों चीज़ों को क्योंकि आप मेडिटेशन में भी ज़्यादा अंदर घुस सकते हो गांजे की वजह से। तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि अगर आपको असली मेडिटेशन के फ़ायदे एक्सपीरियंस करना, आपको तीन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, पहला है नॉनवेज, दूसरा है दारू जो मैं तभी तक कर रहा था, और तीसरा है गांजा। नॉनवेज मैंने आसानी से छोड़ दिया, दारू मैंने और भी आसानी से छोड़ दिया। इस फेज तक ना मुझे ये पता चला था कि यार दारू से आप मोटे हो जाते हो, और दारू से आपका टेस्टोस्टेरोन, आपका मेल हार्मोन कम हो जाता है, तो जो मैं जिमिंग में मेहनत कर रहा था वो दारू से रिवर्स हो जाती थी। इसे दारू छोड़ना मेरे लिए थोड़ा आसान बन गया था तब तक, क्योंकि जिमिंग का नशा भी था मेरी लाइफ में, पर जिमिंग के नशे के साथ साथ भी मैंने गांजे का नशा मिक्स कर दिया। मैं काफ़ी टाइम भांग खाकर जिमिंग करने जाता था और अपने वर्कआउट में घुस जाता था, बाइसेप ट्रेनिंग, जॉम्बी की तरह जिम में एकदम स्टोन्ड हूँ, भंड हूँ और बाइसेप ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये सब हुआ है मेरी लाइफ में। मनीष भाई ने मुझे कभी फोर्सफुली नहीं कहा, मुझे बस ये समझा दिया कि सबसे बड़ा नशा ना वो स्पिरिचुअल नशा होता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होते हैं, बट उन नशों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म मेडिटेशन करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, हर दिन एक साल के लिए अगर आपने मेडिटेट किया ना, तभी आपको उसके फ़ायदे दिखेंगे, तभी आपको उसके नशे दिखेंगे। और ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया। दारू आसानी से छूट गया, नॉनवेज आसानी से छूट गया, मेरी बॉडी ने ऑटोमेटिकली रिजेक्ट किया इतनी मेडिटेशन करने में, गांजा आसानी से छूटा नहीं। जनरली आप अगर ये देखोगे ना, तो जो लोगों को अल्कोहल एडिक्शन होती है उनकी थोड़ी वाइब थोड़ी सी नेगेटिव होती है, जिन लोगों को गांजे की एडिक्शन होती है उनकी वाइब बदलती नहीं, वो लोग पॉजिटिव ही रहते हैं, जैसे वो अंदर है ना वैसे ही रहते हैं। और मोस्टली मैंने ये भी देखा है कि स्टोनर्स बहुत पीसफुल रहते हैं, शांत इंसान रहते, शिव जी के भक्त रहते। तो मुझे ये समझ रहा ही नहीं था कि यार अगर शिव भगवान भी करते हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ, वो भी स्पिरिचुअल है। मैं खुद से ऐसी बातें करता, मैंने एक दिन एक स्टोरी पढ़ी नेटिव अमेरिकन कल्चर के बारे में। एक आदमी अपने पोते से बात कर रहा था, पोते को बोला देखो आपके अंदर दो वुल्व्स हैं, दो भेड़िया हैं, दो जानवर हैं, एक भेड़िया जो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करेगा, और दूसरा भेड़िया जो आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें करने के लिए मोटिवेट करेगा, जो आपको ये कहेगा कि यार देखो ये चीज़ ना आपके लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस के लिए अच्छी नहीं, खुद को इस एडिक्शन से निकालो, खुद को इस नशे से निकालो। वो पॉजिटिव भेड़िया आपसे ये कहेगा, नेगेटिव भेड़िया हमेशा आपसे ये कहेगा कि यार कर ले, एंजॉय कर ले, क्या है यार लाइफ में क्या पड़ा है। किस भेड़िया की बात आपको सुननी है वो आपके हाथों में, और ये मत मानो कि कभी वो नेगेटिव भेड़िया ना मर जाएगा, आप कभी वो नेगेटिव भेड़िया को मार नहीं सकते, वो लाइफ के अलग अलग सिचुएशंस में आकर आपसे बातें करने की कोशिश करेगा। कल अगर आपकी शादी हो गई, 10 साल तक आपने शादी में अपने वाइफ को प्यार दिया, और 11वें साल में कोई सेक्सी सी WWE की डीवा आ गई और आपसे कहा हे बेबी चलो सेक्स करते हैं, तो नेगेटिव भेड़िया आपको मिलकर कहेगा कर ले, वाइफ को नहीं पता चलेगा। ये होता है नेगेटिव भेड़िया का। आप खुद के अंदर नेगेटिव थॉट्स लेकर रैशनलाइज कर देते हो अगर आप नेगेटिव भेड़िए की बात सुन रहे हो, नेगेटिव वुल्फ की बातें सुन रहे हो। पॉजिटिव वुल्फ जो बोरिंग है, जिसके साथ टाइम बिताकर आपको अच्छा नहीं लगता, जिसको देखकर आपको लगता है कि क्या कितना ज्ञान दे रहा है, उस वुल्फ की अगर आपने बात सुनी तो आपके करियर में प्रोग्रेस हो जाएगा, लाइफ में प्रोग्रेस हो जाएगा, रिलेशनशिप्स में प्रोग्रेस हो जाएगा। पर उस भेड़िए की बात सुनना आसान नहीं होता दोस्तों। ये युद्ध, ये जंग आपके दिल के अंदर चल रहे, कौन सा भेड़िया जीतेगा वो आपके हाथों में। क्या आप उस नेगेटिव वुल्फ की बातें सुनकर उसे खिलाओगे, या पॉजिटिव बोरिंग वुल्फ की बातें सुनकर उसे खिलाओगे। जो सक्सेस आपको मिलता है ना लाइफ में, दौलत शोहरत, वो किस चीज का आउटकम है, वो आपके हैबिट्स का आउटकम है।